नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। आप सभी को बता दें कि इन दिनों बाला साहब ठाकरे के मामले को लेकर काफी चर्चाएं हैं। दरअसल दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिवंगत बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने का प्रस्ताव सिडको की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि इसका नाम दिवंगत DB पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास नवी मुंबई के एयरपोर्ट का नाम बाला ठाकरे के नाम पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में किसी भी हवाई अड्डे के नामांकन की एक प्रक्रिया होती है और उसके अनुसार प्रस्ताव भेजा जाता है। विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने की परंपरा है, लेकिन अब तक उनके द्वारा मुंबई हवाई अड्डे का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। दरअसल नवी मुंबई में इस एयरपोर्ट को बनने से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। एक साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को देश भर में हवाई अड्डों के नामांकन के लिए समान नीति तैयार करने के लिए कहा था। गौर हो कि पिछले साल नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने का प्रस्ताव सरकारी योजना एजेंसी CDCO ने दिया था। दिवंगत बाला साहब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं और राज्य के CM उद्धव ठाकरे के पिता भी। इससे पहले शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बयान में कहा था कि CM ने GB पाटिल एक्शन समिति को आश्वस्त किया है कि किसी अन्य परियोजना का नाम किसान नेताओं के नाम पर रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, किस तरीके से क्या बाला साहब ठाकरे के नाम पर होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और क्या इस मामले पर निकलकर बातें सामने आती हैं। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।